कि ये 6 पुरानी चीजें लाती है बदकिस्मती। तुरंत इन्हें हटाए, पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद और खराब ताला घर में दुर्भाग्य लेकर आता है। बंद घड़िया, घड़ी की सुइया जीवन को आगे लेकर जाती है, वही बंद पड़ी घड़िया जिंदगी में रुकावट और बाधा उत्पन्न करती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़िया रखने से किस्मत की एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त भी नहीं होता। पुराने अखबार, ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीके से इस रद्दी का यूज करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े भी पनपने का डर रहता है। एक तरह से इससे घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। पुराने फटे कपड़े, वास्तु शास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फिर फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लेकर आते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या फिर बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े कैरियर में बार बार बाधा डालते हैं। खराब जूते चप्पल, वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना जाता है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक से रखें। घर में पुराने फटे और खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ जाता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ संकेत देते हैं, इसके बाद इसमें नकारात्मक तरंगे निकलने लगती है, इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।